नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता SB गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए ग्राम स्याओ स्थित चौक पर एकत्रित हुए और अटल संकल्प यात्रा के रूप में बाइक रैली निकाली, जिसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने किया। बाइक रैली तहसील से शुरू होकर बाजार बजरिया, नेहरू चौक, फवारा चौक, अंबेडकर चौक से होते हुए चौधरी चरण सिंह चौक से होकर डाक बंगले पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने जानकारी देते हुए बताया, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर यह सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उसी के उपलक्ष्य में आज युवा मोर्चा को ये मोटरसाइकिल यात्रा शुरू करने का काम दिया है और हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत ही सभ्य और शालीनता से अपने काम को अंजाम देने वाले हैं और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के रास्तों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम ये देश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और देश में अलग पहचान मिले, देश की अलग पहचान हो, प्रदेश की अलग पहचान हो, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री विक्की जोशी ने जानकारी देते हुए बताया, रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 97वां जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा आज बाइक रैली का आयोजन रख रही है। कहां से कहां तक होगा आयोजन? इसको अटल संकल्प यात्रा भी कहेंगे। ये तहसील से प्रारंभ होकर जलीलपुर चौक, बाजार बजरिया, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक से गुजरते हुए फीना चौक से होते हुए डाक बंगले तक समाप्त होगी। इस दौरान भाजपा विधायक कमलेश सैनी, विकास गुप्ता रॉकी, कपिल चौधरी, अनमोल मित्तल, प्रशांत जोशी, शुभम माहेश्वरी सहित भारी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता शामिल रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।